एसआईटी विस्फोट में शहीद हुए जवानों को करणपुरा कोरबा बटालियन के में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोबरा बटालियन के सभी जवान थे। डीजीपी अशोक जुनेजा सहित पुलिस और सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों ने शहीदों को अंतिम सलामी देते हुए श्रद्धांजलि दी है। सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में रविवार को नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया था और इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए आईडी ब्लास्ट किया था। दिनांक 23 जून को जिला सुकमा एवं बीजापुर का सीमावर्ती इलाका सिलगेर एवं टेक्लोडन के बीच में मोदी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा 201 बटालियन का दो जवान विष्णु एवं शैलेंद्र शहीद हो गए। दोनों शहीदों का करणपुर कोबरा 201 बटालियन मुख्यालय में डीजीपी छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ एवं कोबरा के वरिष्ठ अधिकारियों क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा अंतिम सलामी दी जाकर। सूरजपुर जिला में आजादी के 75 साल बाद भी लालटेन युग में जिंदगी बसर करने को मजबूर है लोग। जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 50 से ज्यादा परिवार लालटेन की सहारे जीवन व्यापन कर रहे हैं और मामला गोविंदगढ़ पंचायत के चारपारा मोहल्ले का है, जहां बिजली के अभाव से ग्रामीण परेशान हैं, मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो वहीं आधुनिक युग में इस गांव में युवाओं के शादी ब्याह के लिए कोई अपनी बेटी को इनके घर नहीं देना चाहता, क्योंकि बिना विद्युत के जीवन बसर करने वाले इन परिवार वालों की ज़िंदगी देखकर दूसरे पंचायत के लोग भी इनकी बदहाली से दूरी बनाए रखते हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों की दलीलें केवल दावा तक ही सीमित हैं। तो बहुत दिन से जी रहे हैं, अब जब तक हम लोग जान रहे हैं तब तक तो लाइट बत्ती जो कि माटी तेल भी मिल रहा था वो भी नहीं मिलता है, और लाइट तो खंभा तक नहीं गिरा है। यहाँ मीटर नहीं लगा आप लोग? कुछ नहीं, मीटर ना खंभा तक नहीं है तो मीटर कहाँ लगेगा। वो तो करे वो करते हैं सर, अपन आते हैं अपन डिप्टी पकाते हैं वो चल जाते हैं, बोले कि नहीं लग जाही लाइट, वो बिजली वाला भी कह धारा इन कह धारा है, मतलब कि लीक के लेकिन पता नहीं होला कहाँ डाल देते हैं, हमके नहीं पता। रात के समय न लाइट न बत्ती, अंधार में टारस उरस, आजकल दुकान उकान भी नज़दीक बाजार भी तो है थोड़ा बहुत दूर में है, तब का करें टारस के भरोसे। ऐसा गाँव जो विद्युतीकृत है पर उसके मजरा टोला जो है उसमें बिजली नहीं पहुँचा है, तो इस ऐसे सभी गाँव का हमने प्रपोजल तैयार करके सर्वे वगैरह करके प्रपोजल बना करके हायर अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेजे हैं। अप्रूवल सेंक्शन पश्चात वो काम वहाँ पे हो जाएगा।